सामूहिक युवा सम्मेलन के उपलक्ष्य में मंगलवार को स्त्री धन वितरण हेतु समारोह आयोजित किया गया। विजयनगर रोड स्थित डीपीएस स्कूल के समीप आयोजित समारोह में युवा सम्मेलन में रजिस्टर्ड हुई कन्याओं को स्त्री धन वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य पारस पंच ने शिरकत की। इस मौके पर पंच ने कहा कि सामूहिक विवाह भौतिक युग में बढ़ती महंगाई और प्रतिस्पर्धा की होड़ में सभी समाजों की आवश्यकता बनता जा रहा है। गरीब व अक्षम परिवारों की कन्याओं के समय पर विवाह के लिए सामूहिक विवाह आयोजन सबसे उपयुक्त माध्यम है। ऐसे आयोजनों को आजन को आमजन को सफल बनाना चाहिए। शाह मानव अधिकार आयोग सुरक्षा मंच के तत्वावधान में आयोजित होने वाले सामूहिक युवा सम्मेलन की पंच ने प्रशंसा करते हुए आयोजक रफीक मोहम्मद व विमल चौहान व उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए वर वधु को अग्रिम शुभकामना प्रदान की तथा उनके माता पिता द्वारा सामूहिक विवाह के अंतर्गत अपनी बेटी का विवाह करने पर आभार जताया। उन्होंने सभी से इस आयोजन को सफल बनाने की अपील की। समारोह की अध्यक्षता करते हुए ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा ने कहा कि कन्यादान हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा दान है। जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इससे सहयोग कर रहा है वे भाग्यशाली है। इस अवसर पर सभी अतिथियों द्वारा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रफीक मोहम्मद का अब तक 3,000 से अधिक कन्याओं का विवाह करवाने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सामूहिक विवाह के अंतर्गत 24 मई को विवाह होने जा रही कन्याओं को प्रोत्साहित करते हुए माफिया बानो तमन्ना सुमन प्रिया जसोदा कविता को अतिथियों द्वारा स्त्री धन प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन विमल चौहान ने किया। समारोह के विशिष्ट अतिथि कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष विक्रम सोनी पार्षद हरी साकला समाज सेवी जानवी वारवानी सोनिया जयमन ऋषिराज थे। इससे पूर्व मोहम्मद रऊफ मोहम्मद आबिद लोकेश जैन राजू भाई ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। आगामी 24 नवम्बर 2022 को मोहम्मद अली विद्यालय में समारोह पूर्वक सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा।